भूत प्रेत की कहानियाँ तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं और आज इन सब के बारे में जानने के लिए हम सब बड़े इच्छुक हैं और इसके बारे में बड़े मजे से सुनते हैं। और खास तौर पर भूत प्रेत की कहानियाँ रात में सुनने में हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें हम सब का मानना है कि ये रात में ज्यादातर तौर पर दिखाई देते हैं। और इसके बावजूद भी हमारे सबके दिमाग के अंदर एक सवाल पैदा होता है, क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका परफेक्ट जवाब इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, और जिसके पास है वो शायद इस दुनिया में ही नहीं है। भूतों का टॉपिक आज भी एक रहस्य से बना हुआ है, तो दिल थाम के देखना पूरा वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आर गोस रियल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इस दुनिया में हर 10 में से एक व्यक्ति ने भूतों को देखने का दावा किया है, और कई बार इनका यह भी कहना है भूत या फिर कहो कोई प्रेत आत्मा ने इन पर हमला भी किया है। और इस दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के लिए लोग अक्सर डरते हैं, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन या फिर कोई सुनसान बंगलो या हवेली। आपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में जरूर सुना होगा। इनके हिसाब से भूत प्रेत उन लोगों को कहते हैं जिनके आत्मा मरने के बाद भी इस दुनिया में रह जाती है, और वो तब तक रहती है जब तक उनकी कोई खास महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई खास काम पूरा ना हो जाए। और मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी है, और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाती है। वो उन जगहों पर अक्सर दिखते हैं जो उन्हीं से जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये एक ऐसी टीम होती है जो भूतों में बिलीव करती है, और वो इन्वेस्टिगेटर्स भूतों पर रिसर्च करके उनसे कॉन्टेक्ट बनाते हैं। और उन इन्वेस्टिगेटर्स के पास भूतों से बात करने के लिए कई अलग अलग तरह की डिवाइसेस होती है। ये इन्वेस्टिगेटर्स ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं भूतों से कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, जिसकी मदद से वो उनसे बात कर पाए। ओइजा बोर्ड एक ऐसा टूल है जो सुपर नेचुरल एंटिटी से बात करने के लिए यूज की जाती है। खैर, ये इन्वेस्टिगेटर्स बस इतना ही हमें बताते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, पर इसका कोई खास पक्का सबूत किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि साइंस भी अब तक इस टॉपिक को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाई है। पर आज भूत प्रेत का क्रेज इतना बढ़ गया है कि ये बातें सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा वायरल होती रहती है। कई ऐसे वीडियोस है यूट्यूब पर जिसमें भूत प्रेत को बताया गया है, और कई ऐसी फोटोज है जिनमें इनका जिक्र किया गया है, और वो फोटोज बड़ी तेजी से वायरल हो जाती है। और भूत प्रेत को लेकर कई फिल्में भी बन चुकी है, जैसे कि हॉलीवुड की फिल्म द कंज्यूरिंग। और इस फिल्म की एक खास बात यह मानी जाती है कि ये रियल घटना पर आधारित है। सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं बल्कि कई ऐसे रहस्य है इस दुनिया में जो हमारी समझ से परे है, जिनके सवालों के जवाब साइंस पता लगा कर रहती है। हमारी आंखें उतना ही देख पाती है जितना कि हमारे दिमाग को पता होता है, पर फिर भी यह सब बातें मानने न मानने पर डिपेंड करती है। सिंपली जहाँ इंसान है वहाँ अंधविश्वास है, और जहाँ अंधविश्वास है वहाँ भूत प्रेत तो होते ही। पर्सनली मैं तो उस ग्रुप का मेंबर हूँ जो इन सब में नहीं मानता, और आप किस ग्रुप के मेंबर हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और ऐसी और रोचक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।